लिखेंगे दोस्तों p लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे y और, और ये माइनस और यहाँ पे कुछ x x sin y dx e x दोस्तों वेक्टर इंटीग्रेशन में वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आज हम लेकर आ रहे हैं दोस्तों जिसका नाम है ग्रीन थ्योरम बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में इसी का नाम है ग्रीन लेमा अलग-अलग नाम से दिया रहता है बट अगर ग्रीन दिखाई दे तो समझ जाना कि यही टॉपिक है चलते हैं वन बाय वन इससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करते हैं बट उसके पहले कुछ बेसिक चीजें बात कर लेते हैं देखो ग्रीन थियरम होता क्या है दोस्तों ऑलरेडी हमने इसके पहले लाइन इंटीग्रल का पार्ट कवर किया तो दोस्तों अगर पी डीएक्स और क्यू डी वाई ऐसा दिया है दोस्तों इक्वल टू यहां पे हम रीजन ले रहे हैं यहां पे दोस्तों क्या लिखा होगा यहां पे जस्ट देखो यहां पे डीएक्स के साथ क्या पी है और यहां पे डीवाई के साथ क्या है दोस्तों क्यू है यहां पे हम उल्टा लिखेंगे यहां पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों पहले क्यू लिखेंगे और विध रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे उल्टा लिखेंगे यहां पे विध रिस्पेक्ट टू वाय था ना क्यू और फिर हम क्या लिखेंगे दोस्तों लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे वाई और ये माइनस और यहां पे दोस्तों पहला डी एक्स फिर डी वाई तो इस तरह ये यही पूरा का पूरा आपका कौन सा ग्रीन लेमा या ग्रीन थ्योरम जो आप बोलना चाहते हैं वही है बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में दोस्तों इसे ही इस तरह से दिया होता है यहां पे ऐसे लिखा होगा यहां पे दोस्तों उन्होंने Uh, यहाँ पे यू लिखा होगा डीएक्स लिखा होगा यहाँ पे वी डीवाई लिखा होगा तो प्लीज उससे डरना मत वहां पे यू की जगह पे मैंने पी ले लिया और वी की जगह पे मैंने क्यू ले लिया तो उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है अब दोस्तों देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं अगर आपको डबल इंटीग्रेशन के बारे में अगर थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो आप आराम से इससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो बट कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे सभी चीजें मैं बेसिक से एक्सप्लेन करूंगा देखो इवेल्युएट बाय यूजिंग ग्रीन थियरम अब वहां पे लिखा है दोस्तों वहां पे हमें एक रेक्टेंगल दिया और उसके वर्टेक्स हमें दिए हैं तो दोस्तों देखो, देखो हमें क्या करना है सबसे पहले जो हमें कौ दिया है ई रेस टू एक्स माइनस एक्स साइन वाई डी एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स कॉस अब दोस्तों यहां पे क्या है e रेस्ट टू माइनस एक्स कॉस वाई dy यहां पे हमें दिया हुआ है और दोस्तों हमें क्या करना है दोस्तों इवेल्युएट करना है और हमें सी इज द रेक्टेंगल हुज हमें यहाँ पे उसके अलग अलग वर्टाइसेस हमें दिए हैं अब दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला है जहां पे भी देखो सिंगल इंटीग्रेशन है डी के साथ जो भी टर्म है उसे हम क्या लेंगे दोस्तों पी ई रेस टू माइनस एक्स साइन वाई और दोस्तों वाई के साथ जो टर्म है उसे हम क्या लेंगे दोस्तों क्यू तो यहाँ पे क्या ई रेस टू माइनस एक्स कॉस वाई अब दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे इससे आपको पता है कि पी को हम विध रिस्पेक्ट टू क्या करते हैं दोस्तों वाई और क्यू को विध रिस्पेक्ट टू एक्स तो यहाँ पे देखो मैं डिफ्रेंशियट पार्शियली कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई अगर मैं करूंगा तो ई रेस टू माइनस एक्स ऐसे ही रहेगा साइन का क्या होगा दोस्तों कॉज वाई हो जाएगा यहाँ पे अगर मैं पार्शियली अगर करूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो ई रेस टू माइनस एक्स का दोस्तों ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है ई रेस टू एक्स बट दोस्तों यहाँ पे माइनस साइन है मतलब यहाँ पे माइनस एक्स है उसका फिर से डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस वन आएगा इसलिए यहाँ पे एक माइनस टर्म और ये कॉज तो कांस्टेंट है ये ऐसे ही रहेगा पार्सल डेरिवेटिव से हमने इसे सॉल्व कर दिया अब दोस्तों जो हमें थ्योरम अप्लाई करना है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो यहाँ पे इसी थ्योरम को हम क्या लिखेंगे पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाय और इक्वल टू यहाँ पे देखो डबल इंटीग्रेशन यहां पे क्या आएगा दोस्तों डेलक्यू बाय डेल एक्स माइनस डेल पी बाय डेल वाय यहाँ पे और डी एक्स एंड dy अब दोस्तों इसी पार्ट को थोड़ा सा मैं अपने तरीके से लिख रहा हूं प्लीज यहां पे ध्यान देना देखो यहाँ पे यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन यहाँ पे डेल क्यू बाय डेल एक्स क्या है दोस्तों माइनस ई रेस टू माइनस एक्स कॉस वाय और ये बीच का माइनस है डेल पी बाय डेल वाई क्या है दोस्तों बहुत अच्छे से ध्यान दो ई रेस टू माइनस एक्स कॉस वाय और यहां पे क्या है दोस्तों डीएक्स एंड डीवाई आई थिंक आपको सब दिखाई दे रहा है अब दोस्तों ये वाला पार्ट पूरा का पूरा होने के बाद हमें लिमिट्स देना है अब लिमिट्स आप कैसे दोगे तो दो? दोस्तों यहां पे हमें रीजन दिया है सी इज द रेक्टेंगल हुज हुई अब देखो अगर मैं यहाँ पे एक समझो रेक्टेंगल बना रहा हूं सॉरी यहां पे देखो आपको पता है ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा जीरो का जीरो देन दोस्तों पायल जीरो दिया है मतलब एक्स वाला पार्ट दिया वाई वाला पार्ट जीरो है तो ये वाला पार्ट कहीं पे यहाँ पे आएगा तो ये क्या हो गया दोस्तों पाए जीरो और दोस्तों इसके बाद क्या है इसके बाद क्या है जीरो पाए बाय टू है तो ये वाला पार्ट यहाँ पे कहीं आएगा क्योंकि इसमें x जीरो है तो हमेशा y एक्स इस पे आएगा और ये वाला दोस्तों देखो x आपका पाए है और y आपका क्या है दोस्तों पाए बाय टू तो इस तरह से एक रेक्टेंगल क्या हुआ दोस्तों फ्रेम हुआ है अब इस रेक्टेंगल में हम यहाँ पे सबसे पहले देखो डीएक्स है तो यहाँ पे हम एक्स वाला लिखेंगे फिर वाई वाला लिमिट लिखेंगे अगर आप एक्स वाले लिमिट की बात करते हो एक्स वाला लिमिट दोस्तों कैसे जाएगा देखो एक्स वाला लिमिट ऐसे है दिखाई दे रहा है आपका तो एक्स वाले अगर आप लिमिट को ध्यान से अगर देखोगे तो आपको कैसे दिखाई देगा तो x वाले लिमिट पे अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे देखो x के दोनों वैल्यूज क्या दिखाई दे रहे हैं दोस्तों जीरो और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x के दोनों वैल्यूज क्या दिखाई दे रहे हैं दोस्तों पाए तो मोस्टली हम कहा से जाएंगे जीरो से हम कहा जाएंगे दोस्तों पाय ये अपना कौन सा लिमिट है दोस्तों एक्स का ये ध्यान रखना है आपको देन वाई का लिमिट आप क्या लोगे दोस्तों प्लीज ध्यान रखना देखो y आपका ऐसे ऐसे जाएगा मैंने बोला y आपका ऊपर नीचे जाएगा तो ऊपर नीचे जाएगा तो अगर मैं y वाला लिमिट नीचे देखूं नीचे के सरफेस पे y का वैल्यू सेकंड वाला होगा यहाँ जीरो है, यहां पे भी जीरो है y है तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है एंड पे यहाँ पे फाइव बाय टू है यहाँ पे भी फायर बाय टू है मतलब कहां पे जा रहा है दोस्तों फाइव बाय टू तो मैंने लिमिट किस तरह से इवेल्युएट किया है किस तरह से लिमिट निकाला है वही बहुत बड़ा टास्क है प्लीज एक बार वीडियो को फिर से पीछे करके देख लेना बाकी तो बहुत ईजी टॉपिक है ये अब दोस्तों देखो यहाँ पे मैं इसे इवेलुएट कर रहा हूं देखो सबसे पहले जीरो टू पाए जीरो टू पाए बाय टू यहां पे अगर आप देखोगे तो दोनों में कॉस वाय कॉमन है दोस्तों माइनस ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स यहां से बचा और दोनों में से कॉस वाय मैं बाहर ले ले रहा हूँ यहाँ ही पे ले ले रहा हूं कॉस वाय यहां डी एक्स है यहां पे डी वाई है तो फाइनली अगर मैं और इसे अच्छे से सॉल्व करूं तो ये जीरो टू पाए यहां पे जीरो टू पाए बाय टू

तो देखो यहाँ पे वाला टर्म कौन सा है दोस्तों है, देखो यहाँ पे तो देखो ई रेस टू तो माइनस एक्स है मैं डायरेक्ट इसे क्या कर रहा हूं एक्स का लिमिट है इसके साथ इवेलुएट कर दूंगा और दोस्तों यहाँ पे जीरो टू फाय बाय टू है ये y का लिमिट है तो यहाँ पे y वाला टर्म कौन सा है दोस्तों cos y इसे मैं डायरेक्ट dy के साथ इवेलुएट कर दूंगा तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा अब देखो यहाँ पे

E pi, यहाँ पे X यहाँ पे किया। है करूं। और एक बार क्या पुट करूंगा दोस्तों जीरो तो अब देखो ये किस तरह से सॉल्व होगा प्लीज आपको ध्यान देने की जरूरत है अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ प्लीज ध्यान देना यहाँ पे दोस्तों ये टू हो जाएगा ये क्या हो जाएगा ई रेस टू माइनस पाए हो जाएगा ई रेस टू जीरो मतलब और लिख रहा ई रेस टू जीरो मतलब क्या होगा दोस्तों 1, और दोस्तों यहाँ पे आप जब सॉल्व करोगे तो साइन पाए बाय टू मतलब साइन नाइनटी कितना होता है दोस्तों वन साइन जीरो कितना होता है जीरो तो फाइनली अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे देखो वन माइनस जीरो वन आएगा वन इंटू टू टू रहेगा ई रेस टू माइनस पाए माइनस वन तो फाइनली दोस्तों हमने ये वाले पार्ट को सॉल्व कर लिया ग्रीन थियरम्स के अकॉर्डिंग इसके अंदर एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों वेरीफाई ग्रीन थियरम्स वो क्वेश्चन भी हम लेते हैं देन इसके बाद एक दो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे बट ये टॉपिक बहुत ईजी है ये चीज तो आपने इस सम से ही देख लिया चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही ले रहा हूं यहां पे अगर आप देखोगे वेरीफाई ग्रीन थ्योरम बोला है तो मोस्टली इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेरीफाई ग्रीन थ्योरम के और समथिंग यहाँ पे हमें यहाँ पे हमें इंटीग्रल दिया है एंड वेयर सी इज द क्लोज कर्व ऑफ द रीजन बाउंडेड पे दी है अब दोस्तों यहाँ पे आप सबसे पहले कभी भी अगर ऐसा है देखो हमें क्या दिया है सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूं यहाँ पे एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे गया दोस्तों डीएक्स है प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे गया दोस्तों डीवाई है तो देखो x x y plus y square dx x square dy uh, where C is the closed region bounded by the curve देखो हमें curve का यहाँ पे एक दिया है y equal to x और दूसरा दिया है y equal to x पर हमेशा हमेशा ध्यान रखना दोस्तों ऑलरेडी मैंने जब आपको डबल इंटीग्रेशन पढ़ाया था तो उस टाइम पे मैंने ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर की थी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा देखो अगर यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है स्क्वायर कौन सा है दोस्तों एक्स स्क्वायर है अगर एक्स स्क्वायर है तो हमेशा याद रखना कि हमारा पैराबोला एक्स एक्सिस को मतलब टच होगा अगर यहाँ पे वाई स्क्वायर होता तो हमारा पैराबोला वाई एक्सिस को टच होता तो अभी एक्स स्क्वायर है तो ये पैराबोला का इक्वेशन है तो हमारा पैराबोला किसको टच हुआ दोस्तों एक्स एक्सिस को दिखाई दे रहा है ऐसे अगर वही अगर समझो यहाँ पे वाई स्क्वायर होता तो ऐसा पैराबोला अगर माइनस फॉर्म में अगर एक्स स्क्वायर होता तो नीचे साइड आता अगर माइनस फॉर्म में वाई स्क्वायर होता तो इस साइड आता तो ये आपको पता होना चाहिए अब दोस्तों यहां पे कभी भी अगर इस तरह का इक्वेशन दिखाई दिया तो हमेशा याद रखना इसको यहां पे हम क्या करते हैं ये यह हमेशा यहां से जो लाइन पास होता है उसका इक्वेशन है ओरिजिन से अब दोस्तों यहां पे हमने ये भी बना लिया अब हमें क्या करना है ये जो क्लोज रीजन है इसी के बारे में हमें बात करना है तो देखो दोस्तों में यहाँ पे पॉइंट कंसिडर कर दे रहा हूं यह तो मुझे पता है ओरिजिन है और यहाँ पे ये यह जो मेरा कव है दोस्तों वाई इक्वल और ये जो कव है दोस्तों मेरा क्या है वाई इक्वल अब इसके हेल्प से दोस्तों मैं क्या करूंगा समझो यहाँ पे मैं ओ ले ले रहा हूं यहाँ पे मैं ये समझो मैं सी वन का ले ले रहा हूँ और इसे मैं क्या ले रहा हूँ सी टू ये ऐसे जाएगा और ये वाला ऐसे आएगा ये ध्यान रखना है ये यहाँ से गया ये यहां से आया और यहाँ पे मैं ए जो पॉइंट है वो मुझे क्या करना है दोस्तों फाइंड आउट करना है तो देखो मैं कैसे कैसे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया बस वो आपको ध्यान रखना है अब ए कैसे फाइंड आउट करके बहुत ईजी है देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए बहुत इजी है टू सॉल्व हमें क्या दिया है दोस्तों और दूसरा क्या दिया है दोस्तों दूसरा को क्या है y equal to X square. कभी भी ये दोनों के इक्वेशन आप सॉल्व करोगे तो अपने आप कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे देखो मैं इसके इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं तो यहां पे देखो ये वाला इक्वेशन में आ, ये एक्स स्क्वायर ऐसी रखा और वाई की जगह पे वाई एक्स को इक्वल है तो वाई की जगह पे एक्स रखा देखो ये वाला इक्वेशन है मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं पुट y इक्वल टू एक्स इन इक्वेशन सेकेंड ऐसे आप लिख दो ये वाला जो इक्वेशन है दोस्तों यहाँ पे x square सेम रखा वाई की जगह पे वाईक्वल टू एक्स है एक्स पे कन्वर्ट किया कोई भी एक वेरिएबल में आप चीजों को कन्वर्ट कर सकते हो अब दोस्तों ये यह देखो यहाँ पे x square है यहाँ पे पे भेज दिया जीरो हो गया तो जीरो इक्वल टू एक्स बाहर आया तो एक्स माइनस वन देन यहाँ पे क्या आएगा अब देखो ये कैसे सॉल्व होगा यहाँ पे x इक्वल टू जीरो हो जाएगा और x माइनस वन इक्वल टू जीरोन इक्वल टू वन और यहाँ पे x इक्वल टू क्या है दोस्तों जीरो है तो यहां पे हमें x के दो वैल्यूज मिले दोस्तों x का एक वैल्यू जीरो है यस जीरो हो गया और x का दूसरा वैल्यू क्या है दोस्तों वन और आपको पता होना चाहिए चलो उसको दूसरे कलर से लिखते हैं देखो यहां पे मैं वन और आपको पता है कि x और y दोनों इक्वल है तो यहां पे दूसरा वैल्यू भी क्या आएगा दोस्तों वन ही आएगा तो ये आपने यहाँ पे पूरे वैल्यूज को क्या कर लिया दोस्तों फाइंड आउट कर लिया अब दोस्तों मुझे क्या करना है प्लीज ध्यान से अच्छे से देखना है जब भी अगर वेरीफाई करने बोला तो मैं क्या करूंगा एक सी वन का आंसर निकालूंगा और सी टू का आंसर निकालूंगा और बाद में दोस्तों डायरेक्ट रीजन का आंसर निकालूंगा दोनों का आंसर सेम होना चाहिए देखो कैसे यहां पे आप देखो बाय ग्रीन थियरम ग्रीन ग्रीन सबको को सबको पता है दोस्तों क्या है ग्रीन थियरम देखो यहां पे यहां पे क्या आएगा दोस्तों पी डी एक्स यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों क्यू डी वाई और इक्वल टू यहां पे डबल इंटीग्रेशन यहां पे क्या आएगा दोस्तों क्यू थ रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पे पी विथ रिस्पेक्ट टू पूरा पार्ट लिख दिया अब मैं क्या करूंगा सिंगल कॉ को, को लू तो पहले सी वन का लेना पड़ेगा फिर सी टू का लेना पड़ेगा और डायरेक्ट मैं यहाँ पे रीजन का निकाल सकता हूँ और दोनों का आंसर सेम होना चाहिए अब देखो मैं यहाँ पे सिंगल कॉ का इंटीग्रेशन निकाल रहा हूँ डायग्राम आपको दिख रहा है यस दिख रहा है अब देखो मेरे पास जो रास्ता है देखो ऐसा मेरे पास रास्ता है पूरा का पूरा तो ये ये वाला पहले लूंगा ये C1 है और एक है सी टू तो पहले इसका निकालूंगा फिर इसका निकालूंगा उसका प्लस करूंगा उसका जो आंसर है दोस्तों वो हमेशा किसको रीजन के आंसर को इक्वल होना चाहिए मतलब ग्रीन थ्योरम वेरीफाई हो गया अब देखो दोस्तों यहां पे सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं अलोंग सी वन मैं सी वन पे जा रहा हूं ये यह देखो यहां पे अगर मैं सी वन पे जाऊंगा तो वहां पे ग्राफ का इक्वेशन क्या है दोस्तों वहां पे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे पैराबोला है तो पैराबोला का इक्वेशन क्या है दोस्तों वाई इक्वल टू एक्स स्क्तर आप वहां पे बात करोगे पैराबोला भी आपको मिल गया अब पैराबोला के बाद आप अगर यहाँ पे अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो चलो डिफरेंशिएशन का पार्ट तो मैं बाद में करके दिखा रहा हूं अगर चलो डिफरेंशिएट अगर आप करते हो देखो यहाँ पे डीवाई इक्वल टू करते हो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो यहाँ पे क्या हुआ डीवाई बाई डी एक्स होगा और यहाँ पे क्या होगा टू एक्स और यहाँ का नीचे का डीएक्स यहाँ पे आ जाएगा तो मैं यहाँ पे इस तरह से लिख रहा हूँ देखो विध रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहा हूँ तो, y. तो, y तो, तो ऐसे डीवाई लिख दिया अब दोस्तों मैं यहां पे क्या कर रहा हूँ अगर मैं ये वाला पार्ट सॉल्व करने जाऊं तो यहाँ पे देखो सी वन ले रहा हूं अब यहाँ पे पी डीएक्स और यहाँ पे क्या क्यू डीवाई इक्वल टू अब देखो दोस्तों यहाँ पे सॉरी यहां पे दोस्तों C1 वन यहां पे पी का वैल्यू कितना है दोस्तों अब P का वैल्यू अपने को कहा से पता चलेगा P का वैल्यू दोस्तों इस इक्वेशन से dx के साथ जो है एक्सवाय प्लस वाई स्क्वायर पी का वैल्यू क्या है दोस्तों एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और यहां पे क्या है दोस्तों साथ में क्या है दोस्तों साथ में है dx और प्लस अगर मैं Q की बात करूं तो Q का वैल्यू क्या है दोस्तों सॉरी Q की Q की बात करो तो Q का वैल्यू क्या है दोस्तों डीवाई क्यू का वैल्यू क्या है दोस्तों एक्स स्क्वायर डीवाई ये हमने पूरा का पूरा लिख दिया अब दोस्तों यहां पे अगर आप कॉ को ध्यान से देखोगे मैं मुझे क्या करना है इसे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करना तो यहाँ पे अगर आप एक्स के वैल्यूज देखोगे इस कॉ में इस कॉ में अगर आप एक्स के वैल्यूज देखोगे तो दोस्तों यहां पे एक्स का पहला वैल्यू जीरो है और यहाँ पे एक्स का पहला वैल्यू वन है मतलब जीरो टू वन आएगा तो इसका लिमिट क्या आएगा दोस्तों जीरो टू वन अब यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं मुझे एक्स के टर्म में कन्वर्ट करना होगा तो देखो दोस्तों यहाँ पे यहाँ पे मैं जीरो टू वन लिख रहा हूं या तो चाहिए तो आप पहले यहाँ पे स्टार्टिंग में सी वन ही रखो बाद में यहाँ पे जीरो टू वन अब देखो ये एक्स ऐसी है एक्स y की जगह तो तो पे क्या आ जाएगा दोस्तों y इक्वल टू क्या है एक्स स्क्स स्क्वायर आ जाएगा ये y की जगह पे भी क्या आ जाएगा दोस्तों एक्सक्वायर का स्क्वायर और ये तो dx है ये चेंज नहीं होगा ये एक्स स्क्वायर ऐसी ही रहेगा dy की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों टू एक्स और dx तो फाइनली सभी टर्म dx के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए तो यहाँ पे देखो जीरो यहाँ पे देखो x क्यूब हो जाएगा ये x टू फोर हो जाएगा और दोस्तों ये क्या हो जाएगा dx एक्स चाहिए तो मैं dx पूरा साथ में लिखता हूँ प्लीज यहाँ पे ध्यान दो एंड दोस्तों यहाँ पे देखो ये इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो टू एक्स क्यूब हो जाएगा और साथ में डीएक्स यहाँ पे आए हाँ. तो देखो एक्स क्यूब यहाँ पे x रेस टू फोर और यहाँ पे टू एक्स क्यूब और अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ तो दोस्तों ये कैसे सॉल्व होगा ये देखो यहाँ पे जीरो टू वन यहाँ पे ये दोनों को प्लस करूंगा तो यहाँ पे क्या थ्री एक्स क्यूब एन एक्स रेस टू फोर और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डी एक्स अब मैं अगर इसका इंटीग्रेशन निकालना निकालने जाऊं तो यहाँ पे क्या आएगा थ्री यहां पे एक्स क्यूब का क्या आएगा दोस्तों X to 4 upon 4. पे है और यहाँ पे इंटीग्रेशन वन टू जीरो मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो दोस्तों एक बार मैं वन पुट करूंगा देन जीरो पुट करूंगा तो देखो मैं क्या आंसर क्या आता है देखो यहाँ पे मैं थ्री है इंटू वन अपॉन फोर प्लस वन इंटू फाय और माइनस जीरो ही आएगा तो ये पूरे का आंसर कितना आ रहा है दोस्तों बाय ट्वेंटी कितना आ रहा है नाइनटीन बाय ट्वेंटी मतलब ये पहला पार्ट हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे मुझे क्या मिला दोस्तों सी वन से नाइनटीन बाय ट्वेंटी अब सेम मैं यहाँ पे एक मैंने इंडिविजुअल कॉल लिया अब मैंने ये वाला कॉ कंसिडर कर लिया अब ये वाला कॉ कंसिडर करूंगा उससे चेक करूंगा आंसर क्या आ रहा है फिर दोनों को प्लस करके रीजन से इक्वल बताऊंगा थोड़ा सा सम बड़ा होगा बट अगर आप ध्यान दोगे तो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी अलॉन्ग सी टू अब देखो मैं यहाँ पे सी टू ले रहा हूं सबसे पहले सी टू का आपका इक्वेशन क्या आएगा तो वाई इक्वल टू एक्स इक्वेशन क्या है वाई इक्वल टू एक्स अगर आप यहाँ पे डिफ्रेंसिएट करते हो विस्पेक्ट टूर डीवाई बाई डी एक्स आएगा और एक्स का वन आएगा तो मैं यहाँ जो नीचे डी एक्स आया मैं उसको यहां पे भेज दे रहा हूँ तो ये हो गया अब दोस्तों यहां पे अगर आप रीजन की बात करोगे तो दोस्तों ये किस तरह से आएगा देखो यहां पे ये यह c2 है यहां पे पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों यह देखो यहां पे c2 p का वैल्यू कितना है दोस्तों सेम एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डीएक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अब प्लीज यहां पे ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो देखो यहाँ पे ये यह देखो C2 अब आपको यहां पे यहां से आप यहां आ रहे हो यहां से यहां देखो यहां से यहां आ रहे हो तो यहाँ पे अगर आप x के वैल्यू की बात करोगे तो वन कॉमा वन है मतलब x आपका वन है और यहाँ पे क्या है जीरो है तो मतलब वन से जीरो आ रहे हो आप तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे वन से आप कहा जा रहे हो दोस्तों जीरो क्योंकि ऊपर से आप नीचे आ रहे हो अब दोस्तों यहाँ पे एक्स एक्स ही रहेगा पूरा टर्म एक्स में कन्वर्ट करो वाई इक्वल टू क्या है दोस्तों तो यहाँ पे भी x आ जाएगा, भी क्या जाएगा एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे, पे, पे क्या दोस्तों ऐसी डीवाई की जगह पे क्या डीएक्स अब इसे सॉल्व करूँ तो वन टू जीरो पे एक्स स्क्स स्क्वायर और यहाँ पे भी दोस्तों एक्स स्क् और यहाँ पे एक्स साथ में अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो वन टू जीरो पे भी डीएक्स अब मुझे क्या करना है दोस्तों इसका इंटीग्रेशन निकालने निकालना है अब देखो, मैं इसका निकालता हूं, तो दोस्तों और अगर मैं इससे तो कैंसिल हो गया तो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों जीरो का क्यूब माइनस वन का क्यूब तो फाइनली आंसर कितना है माइनस वन तो ओवरऑल देखो सी वन एंड सी वन एंड सी टू दोनों का आंसर मैंने निकाल दिया तो अब मुझे क्या करना है इसे कन्वर्ट किस में कर देना है दोस्तों सी में तो ओवरऑल जो मुझे चाहिए था देखो सी पी डीएक्स प्लस क्यू डी वाई विच इज इक्वल टू यहां पर क्या सी वन पी डीएक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस सी टू पी डीएक्स प्लस क्यू डीवाई अब ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इसका आंसर कितना है दोस्तों इसका आंसर है नाइनटीन बाय ट्वेंटी और इसका आंसर है दोस्तों माइनस वन और अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो देखो यहां पे माइनस वन अगर मैं लिखूं तो यहां पे आंसर आ रहा है, इतना आ रहा है तो ये रीजन वाले से मैच हो जाना चाहिए तो मतलब इसे मैं वन ले रहा हूं अब देखो मैंने यहाँ पे इंडिविजुअल निकाला इसका माइनस वन बाय ट्वेंटी आया तो अब मैं यहाँ पे आपको पता है ग्रीन थियरम्स में देखो मैंने ये वाला पार्ट निकाल दिया है देखो ग्रीन थियरम जो है हमारा ये वाला पार्ट हमने निकाल दिया है इसका आंसर आ गया तो इसका भी आंसर दोस्तों उतना ही आना चाहिए तो ये वाला पार्ट अब मैं देखो लिख रहा हूं यहां पे ध्यान देना yes. अब देखो ये वाला पार्ट तो यहाँ पे यहां क्या आएगा दोस्तों डेल क्यू बाय डेल एक्स और यहां पे डेल पी बाय डेल y और यहां पे डेल एक्स एंड डेल वाय विच इज इक्वल टू और यहाँ पे अब देखो दोस्तों यहां पे क्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स q विथ रिस्पेक्ट टू x, q कहां है दोस्तों देखो q, अगर आप बात करोगे तो q हमारा क्या है देखो ये हमें पहले सॉल्व कर लेना है देखो ये p है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर तो इसको मैं डेल p को विथ रिस्पेक्ट टू y लूंगा अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करता हूं तो ये x ऐसी आएगा y का वन और यहाँ पे वाई स्क्र का टू आए। और अगर मैं डेल क्यूब आए डेल एक्स अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ अगर देखो ये देखो क्यू वाला पार्ट मेरा क्या है दोस्तों एक्स तो रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा तो ये टू एक्स आएगा तो ये पार्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है तो देखो यहाँ पे पहले वाले का कितना आंसर आया टू एक्स पहले वाले का आंसर कितना है दोस्तों देखो अब बोर्ड इतना बड़ा सम है तो क्या करूं मैं पहले वाले का कितना है टू एक्स प्लस सॉरी माइनस है बीच में और दूसरे वाले का कितना है दोस्तों डीपी बाय डी डीवाई का कितना है डीपी बाय डीवाई का एक्स प्लस टू आए कितना है दोस्तों एक्स प्लस टू आए तो यहां पे देखो मैं लिख रहा हूं x प्लस टू और ये यहाँ पे कहेगा डी एक्स एंड डी वाई अब यहां पे हमें लिमिट्स देने हैं दोस्तों पहला वाला लिमिट आपको पता है एक्स का दोगे अब देखो अपना अपना ग्राफ जो है मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूं फिर से डायग्राम बार बार ऊपर करना सही नहीं लग रहा है इस तरह से था आपको पता है यहां पे क्या है जीरो जीरो आपको पता है यहाँ पे वन वन आपको पता है ये लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू एक्स और इसका इक्वेशन है uh, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा ही कुछ है एक बार चेक कर लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है क्या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है यस yes, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर यस परफेक्ट अब दोस्तों देखो यहाँ पे अब यहाँ पे जब आप रीजन को फाइंड आउट करोगे तो किस तरह से करना है यह ऑलरेडी आपने डबल इंटीग्रेशन में सीखा है बस मेरा सम लेंथी इसलिए होगा कि मैं हर एक स्टेप्स दोस्तों आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूं इसलिए सम थोड़ा सा लेंथी हो सकता है अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो ये जीरो जीरो गया, वन वन हो गया और यहाँ पे वाई इक्वल टू एक्स पर हा ये अब यहाँ पे अगर आप एक्स की बात करोगे मैंने बोला कि एक्स हमेशा ऐसे ऐसे चलता है अगर आप एक्स की बात करोगे तो एक्स का लिमिट क्या है दोस्तों यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे क्या दोस्तों वन है तो एक्स के बारे में तो हमें पता चल गया एक्स कहाँ से जा रहा है जीरो से वन जा रहा है वाई की अगर मैं बात करूँ तो वाई हमेशा ऐसे ऐसे चलता है ऊपर नीचे तो अगर मैं वाई की बात करूं तो वाई यहां पे क्या होगा दोस्तों यहां पे इस वाले कॉ पे वाई इक्वल टू क्या है एक्स स्क् है तो यहां पे क्या आएगा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर और अगर मैं ऊपर वाले कॉ की बात करूं तो वाई ऊपर वाले कॉ पे वाई इक्वल टू क्या है दोस्तों एक्स है तो यहाँ पे क्या हो गया एक्स देखो यहाँ पे हमने सब कुछ लिख दिया अब बस आपको क्या करना है इसे सॉल्व करना है देखो सॉल्व कैसे करेंगे

और अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ये देखो ये है इसका इंटीग्रेशन आप निकालोगे तो ये देखो यहाँ पे ये वाई वाला लिमिट है तो वाई के रिस्पेक्ट में अगर आप निकालोगे तो ये कॉन्स्टेंट है यहाँ पे क्या हो जाएगा डीवाई मतलब यहाँ पे एक्स इंटू वाई हो जाएगा और दोस्तों वाई के रिस्पेक्ट में अगर यहाँ पे निकालने जा रहे हैं तो वाई का क्या आएगा वाई स्क्वायर बाय टू और यहां से डीवाई वाला टर्म गायब हो जाएगा तो यहाँ पे बस डी एक्स का टर्म बचेगा और यहाँ पे लिमिट क्या आएगा दोस्तों एक्स और यहाँ पे एक्स स्क्वायर अगर मैं ये लिमिट पुट करने की कोशिश करूं प्लीज ध्यान से देखना दोस्तों देखो यहाँ पे ये जीरो टू वन है आ, ये देखो ये टू टू कैंसिल हो गया जहां पे y है वहां पे ये x पुट होगा तो दोस्तों देखो यहाँ पे अगर मैं x पुट किया तो ये हो गया यहाँ पे x पुट किया तो x square हो गया अब ये वाला वैल्यू देखो ये हो गया माइनस अब यहाँ पे ये पुट करना है जहां पे y है वहां पे एक्स स्क्वायर फुट होगा माइनस जहां पे y है वहां पे एक्स स्क्वायर फुट होगा तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ऑलरेडी इसका स्क्वायर तो देखो मैंने किस तरह से चीजों को पुट किया वो भी आपको देखना है देन यहाँ पे देखो जीरो टू वन है यहाँ पे हमारा डीएक्स वाला टर्म बचा है अब दोस्तों देखो ये यह है यहाँ पे, है। अब यहाँ पे एक्स स्क्स क्यूब है और यहाँ पे दोस्तों एक्स रेस टू फोर है एंड यहाँ पे डी एक्स है ओवरऑल अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो ये वाला पार्ट गायब हो जाएगा दोस्तों तो यहाँ पे जीरो टू वन यहाँ पे दोस्तों माइनस एक्स क्यूब और माइनस माइनस प्लस एक्स रेस टू फोर डी एक्स बचेगा और अगर मैं इसका इंटीग्रेशन निकालू तो माइनस एक्स रेस टू इसका कितना x 4 4 और इसका क्या आएगा दोस्तों एक्स रेस टू फाइव अपॉन फाइव और अगर मैं इसे लिमिट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ तो जीरो टू वन अब देखो यहाँ पे प्लीज यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश करना है आपको देखो यहाँ पे एक बार मैं वन पुट करूंगा तो क्या वन बाय फोर प्लस वन बाय फाइव और जीरो पुट करूंगा तो जीरो ही आने वाला है तो उससे कुछ मतलब नहीं है अब इसे मैं सॉल्व करूंगा माइनस माइनस वन बाय फोर प्लस वन बाय फाइव तो दोस्तों यहां पे आंसर कितना है दोस्तों माइनस वन बाय और इसे मैं इक्वेशन नंबर सेकंड दे रहा हूं ध्यान से देखो देखो इसका आंसर वन बाय ट्वेंटी आया और जो हमने अलग अलग कॉल लेके उसको प्लस किया उसका भी आंसर देखो दोस्तों माइनस वन बाय ट्वेंटी आया तो यहां पे हम लिख सकते हैं यहां पे अगर दोनों के आंसर सेम आए तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रीन हियरम वेरीफाइड देखो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया बाकी के एक दो क्वेश्चन और हैं जो मुझे इस टॉपिक पे लेना है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको लेके बताऊंगा लगभग आप इतना तो प्रैक्टिस करके फटाफट फड़ कवर करो और वीडियो को शेयर करो और वीडियो के नीचे कॉमेंट करना मत भूलो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बाय बाय टेक केयर जय हिंद दोस्तों